अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज किस क्लास के अंदर हम 9 क्लास के चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे केमिस्ट्री की। इससे पहले 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप पुराने प्रीवियस लेक्चर्स अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे या आपने अभी तक तैयार नहीं किए तो वो आप साथ तैयार कर लो। आज का चैप्टर जो है ना हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है यहाँ पर एक पानी का गिलास मौजूद है, ठीक है। पानी के गिलास के अंदर हम क्या करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, पानी के गिलास के अंदर हम लोग एक जो चम्मच है, एक चम्मच मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे इस चीनी को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको जो है वो हिलाना जब स्टार्ट करूंगा, अब हिलाता जाऊंगा इस चम्मच को पानी के अंदर, तो क्या होगा, अब जो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर इस ग्लास में जो चीज बनी है, इस चीज को बोलते हैं सॉल्यूशन। और यही हमारे चैप्टर के अंदर हमने देखा। अब जो ये पानी है मेरे पास, ठीक है, इस पानी को तो हमने बोल दिया कि ये एक शुगर सॉल्यूशन बन चुका है। अब ये जो पानी है, इस ग्लास के अंदर जो वाटर है, अब वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। और जब हम बात करते हैं इसके अंदर जो है वो शुगर की या चीनी की, तो चीनी हम लेते हैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी के अंदर। सो पानी जो है जो कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, और जो चीनी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, डेट इज इन द स्मॉलर क्वांटिटी। सो जो चीनी होती है वो कहलाती है या सोल्यूट, और जो वाटर होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। तो अगर हम इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सारी चीनी है वो पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब सॉल्यूशन सिर्फ पानी और चीनी का नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके दरमियान में सॉल्यूशन बन सकता है। सॉल्यूशन किसी लिक्विड और किसी सॉलिड चीज का बन सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा। लिक्विड जो सॉल्यूशन है वो दो लिक्विड्स का भी बन सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बनाते हो जामेशीरी, उसके अंदर जो है वो पानी और जो जामेशीरी का जो लिक्विड होता है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो दो गैसेस का भी बन सकता है, जैसे हवा होती है वो भी एक सॉल्यूशन है, इस तरह दो मेटल्स का भी आपस में जो है वो सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो सॉल्यूशंस बहुत सारी किस्म के होते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है कि कितनी किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशन होता क्या है, इसके अंदर कंपोनेंट्स किस किस्म के होते हैं, और बहुत सारी चीजें चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपका जो इंटरेस्ट है इस चैप्टर के अंदर बना होगा, और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है हमारे पास सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने हैं, उसके अलावा कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, और सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड, इन चीजों के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, इस चैप्टर के अंदर हमारा ये कंसर्न होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे मैंने आपके सामने इस शुगर सॉल्यूशन की एग्जांपल ली, अब शुगर सॉल्यूशन में जब सारी शुगर डिसॉल्व हो जाती है तो ये एक जैसा सॉल्यूशन बन जाता है, हम इसमें फर्क नहीं कर सकते, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। और ये एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर जो है वो कौन सा है एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, एयर। एयर क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा हमारा जो है वो ब्रास, ठीक है, ब्रास क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, ये सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। और एक हमने जो है अभी एग्जांपल में देखा जो कि था हमारा शुगर सॉल्यूशन। तो डिफरेंट टाइप्स के जो सॉल्यूशन है वो दुनिया में क्या कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये वाला, तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। सो वो सारे सॉल्यूशंस जो के वाटर के अंदर बनते हैं, ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट उसके अंदर काम करता है, वो सारे सॉल्यूशंस कहलाते हैं हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस। लाइक हमारे पास द सॉल्यूशंस व्हिच इज फॉर्मड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, ठीक है, जब वाटर में किसी सब्सटेंस को डालकर सॉल्यूशन बनाया जाता है वो सॉल्यूशन कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल शुगर इन वाटर एंड टेबल सॉल्ट इन वाटर। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, ये जो हमारा वाटर वाला सॉल्यूशन है, क्योंकि ये शुगर मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व की है, तो ये हमारे पास कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्वस सॉल्यूशन तो समझ आ गई, तो हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पानी में हल हो सकती हैं। हमारा अगर हम नमक की बात करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स की बात करते हैं, एसिड्स की बात करते हैं, वो पानी में बड़ा इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब है पानी के अंदर कोई खास किस्म की
एबिलिटी है जिसकी वजह से जो है वो पानी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो डिजोल्व हो जाती हैं। सो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब कि बहुत सारी चीजें दुनिया की जो है वो पानी के अंदर हल हो सकती हैं। या एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर तो बहुत सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं कि वो पानी के अंदर जो है वो इजिली मिक्स हो पा रही हैं। सो ये क्यों होता है, इसके रीजन की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की, कि वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है बिकॉज इट डिजोल्व मेजोरिटी ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी चीजें जो है वो पानी में क्या हो रही हैं, डिजोल्व हो पा रही हैं। ये पानी की प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के तहत बहुत सारी चीजें पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं तो अगेन पानी की एग्जाम्पल लेंगे। अब इस सोल्यूशन के अंदर जो मेरे पास पानी है सारा, ठीक है, ये ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, जबकि जो शुगर मैंने इसके अंदर ऐड की वो कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। सो जो चीज कम क्वांटिटी के अंदर होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो चीज ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन में मौजूद होती है उसको बोलते हैं हम पहले को सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट हम कह रहे होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को। द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कॉम्पोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो स्मॉलर क्वांटिटी में मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो है वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो सॉल्ट को पानी में डालकर ऐड होता है, इस वजह से जो सॉल्ट होगा हमारा वो होगा सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्ट या शुगर ये कम क्वांटिटी में कम मात्रा में डाली जाती है उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास सॉल्वेंट। तो जो चीज हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर वाटर इज अ सॉल्वेंट, जबकि बाकी सारी चीजें जो होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वो क्या होती हैं, एज अ सॉल्यूट काम कर रही होती हैं। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा सॉल्यूशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सो अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट चीनी या नमक डाल दिया जाए एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पर चीनी डाली और चीनी इसके अंदर जो है अगर डिजोल्व हो जाए, अब मैं क्या करूँ, अब मैं और चीनी लूँ। ठीक है, मैंने और चीनी ली और चीनी इसके अंदर डालना स्टार्ट कर दी, और मैं ये काम मुसलसल करता जाऊं तब तक जब तक के मजीद चीनी इसके अंदर ऐड ना हो, तो वो सॉल्यूशन मेरे पास कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमम डाल दें कि मजीद सॉल्यूट ना ऐड हो सके, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, प्लस इसके कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब हमने क्या किया था, थोड़ी अमाउंट में सॉल्यूट डाला था सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूट था वो इजीली डिसॉल्व हो गया था सॉल्वेंट में, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा। इफ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज केप्ट ऑन, अगर हम सॉल्यूट डालते ही जाएं तो क्या होगा, अ स्टेज रीच्ड, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी व्हेन सॉल्वेंट डज कैन नॉट डिसॉल्व मोर एनी सॉल्यूट, कि जो सॉल्वेंट है वो मजीद सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकता। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सॉल्यूट रिमेन अनडिसॉल्व, वो क्या होगा, अनडिजोल्व रहेगा और वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, बॉटम पर अगर हम अपने एग्जांपल में देखें यहाँ पर, तो हम अपने एग्जांपल में देखें ना, तो ये लास्ट पे अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा हो तो ये सॉल्यूट सारा बैठ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि अब ये क्या बन चुका है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है, ठीक है, जिस स्टेज पर क्या होता है, ऑल दो दिस सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूज एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट जब सॉल्यूट डिसॉल्व होके सॉल्यूट और जो है वो क्रिस्टल फॉर्म के बजाय जब वो डिसॉल्व हो जाता है, जैसे चीनी के जर्रे थे वो क्रिस्टल फॉर्म में थे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, और वाटर के जो पार्टिकल जो वाटर में डिसॉल्व हो चुके हैं अगर वो दोबारा क्रिस्टलाइज हो, तो इनके दरमियान की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, याद आपने रखना इसका फॉर्मूला, ठीक है, Na2S2O3,
इन वॉटर एट 20 डिग्री हैज 20.9 ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब वॉटर. 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वॉटर लें, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर अगर हम 20.9 ग्राम सॉल्ट ऐड करें तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगा, किसका, सोडियम थायोसल्फेट का. आगे हमारे पास डेफिनेशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट which is required to saturate it at a given temperature is called unsaturated solution. जैसे हमने बात की थी यहाँ पर कि हमारे पास है, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो जब हम इसमें चीनी डाल रहा था तो चीनी जब तक मिक्स होती जा रही थी अभी तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना था, तो मेरा सॉल्यूशन कहला रहा था अनसैचुरेटेड. जब इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी अचीव हो गई तो ये बन गया सैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड से जो पीछे वाला सारा सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है, लाइक अगर इस पॉइंट पर जाके जो है वो सैचुरेटेड बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर सैचुरेटेड बनेगा, तो इस पॉइंट से पहले जितना एरिया होगा वो सारा क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड. क्योंकि क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो है वो मजीद सॉल्यूट ऐड हो सकता है. आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट की ही एग्जांपल हम लेंगे कि 20.9 ग्राम पे वो क्या बनना था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अगर 20.9 ग्राम से कम क्वांटिटी में अगर हम सॉल्यूट लेते हैं या सॉल्ट लेते हैं सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम के अंदर, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड. ठीक है, अगर 20.9 ग्राम पे वो सैचुरेटेड बन रहा है तो 20.9 ग्राम से अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 18 ग्राम, तो अब ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा होगा. आगे है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सुपर सैचुरेटेड आपको नाम से जाहिर हो गया कि अगर इस पॉइंट पर मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो इससे पहले तक मेरा सारा सॉल्यूशन क्या था, अनसैचुरेटेड, बट इस पॉइंट के बाद मेरा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड क्यों कहलाएगा इसको हम देखते हैं. तो सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, देन आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसको मैंने हीट किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सुपर सैचुरेटेड के अंदर. कैसे वाला, सो अगेन हम अपने वॉटर की तरफ आते हैं, इसको देखते हैं. तो अभी सॉल्यूशन सारा यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है. बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें मजीद सॉल्यूट ऐड करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम जो है इसकी लिमिट अचीव हो चुकी है. बट अगर मुझे ज़बरदस्ती करनी है इसके साथ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको किसी हीटर के ऊपर रख दूंगा या किसी चूल्हे पर रख दूंगा ताकि इसको हीट मिले. जब इसको हीट मिलेगी तो मैं इसमें मजीद सॉल्यूट भी ऐड कर सकता हूं. तो मजीद सॉल्यूट ऐड करता जाऊंगा हीट पर रखने के बाद, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि इस पॉइंट आएगा कि जब उसके अंदर भी सॉल्यूट ऐड होना बंद हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन उस टाइम मेरे पास कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो बेसिकली हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो पावर है उसको अनलॉक करके उसमें मजीद सॉल्यूट ऐड कर दिया. किसकी वजह से, एक चीज की वजह से जिसको बोलते हैं हीट. हीट दिया तो वो जो है वो कन्वर्ट हो गया उसके अंदर. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. तो बहुत एग्जांपल सिंपल है कि 20.9 ग्राम जो सोडियम थायोसल्फेट था उस पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता था, तो अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी होगी सॉल्यूट की तो वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो जिसके अंदर मोर क्वांटिटी होगी वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आगे हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्वड सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. अगर हम अपने पानी के अंदर चीनी कम और पानी बहुत ज्यादा डाल दें, यानी कि सॉल्यूट कम कर दें और सॉल्वेंट ज्यादा हो, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, ज्यादातर ये सॉल्यूशन हम एसिड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसिड्स की जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी पावर को या कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा कर देते हैं और सॉल्यूट कम करते हैं, तो वो हम इसको हम बोलते हैं कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन चुका है किसी भी पर्टिकुलर एसिड का. एग्जांपल देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन वाटर विद लेस अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट. सॉल्ट अगर हम कम डाल दें सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर तो वो बन जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन. इसका एक ऑपोजिट भी होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. Concentrated solutions are those which contain relatively large amount of dissolved solute. ठीक है, large amount के अंदर जब dissolved solute डलता है वो कहलाता है concentrated solution. Example, brine. Brine क्या है? एक concentrated solution है किसका? Common salt in water का. अगर हम पानी के अंदर बहुत सारा नमक डाल दें normal से भी ज्यादा, तो वो बन जाएगा concentrated solution. Concentrated का वैसे मतलब होता है गाढ़ा. आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो कुछ हमारे पास सॉल्यूशन की टाइप्स हैं कि एक गैस, ठीक है, गैस हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, सो
इसको हम यहाँ पे इस तरह कर देते हैं कि गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस और गैस के दरमियान कौन सा सोल्यूशन होता है, तो एयर गैस एंड गैस का है एग्जाम्पल। अगर हम गैस और लिक्विड की बात करते हैं, यानी कि गैस को किस में डाल रहे हैं, लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन गैस है कम क्वांटिटी में, वाटर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है। यहाँ पर क्या है, गैस कम क्वांटिटी में है, सॉलिड के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम। और एग्जांपल्स की बात करते हैं, लाइक सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, जब सॉलिड को किस में डालते हैं, लिक्विड में, तो जैसे हमने एग्जांपल ही शुगर को वाटर में, तो ये आपने जो है वो याद करने हैं सारे। इसी तरह सॉलिड और सॉलिड के दरमियान में मेटल अलॉय, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सारे मेटल और मेटल को आपस में या सॉलिड और सॉलिड को आपस में मिलाकर बनते हैं। आगे हमारे पास कंसेंट्रेशन यूनिट्स, कंसेंट्रेशन यूनिट्स क्या होता है हमारे पास, कंसेंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, ठीक है, मिकदार। तो मिकदार को मालूम करने के कौन से यूनिट्स हैं, सॉल्यूशन को मालूम करने के कौन से यूनिट्स हैं, इसको देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कंसेंट्रेशन इज द रेशियो, रेशियो किसकी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि जो मेरे पास कंसेंट्रेशन है, ठीक है, कंसेंट्रेशन क्या है मेरे पास, कंसेंट्रेशन इक्वल है रेशियो के, किसकी रेशियो, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की, किसको ऐड करना है, सॉल्यूट को ऐड करना है, किसके अंदर, इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार में हमने सॉल्यूट डाला है, ठीक है, ये कहलाता है मेरे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स। इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, पहली है परसेंटेज, दूसरी है मोलैरिटी, ठीक है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे आज के ही इस एपिसोड के अंदर। सो परसेंटेज क्या होती है, तो परसेंटेज बहुत ही आसान सा टॉपिक है, परसेंटेज, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो परसेंटेज यूनिट इज द ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लाइक मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैं कहता हूं कि मैंने कितने परसेंट उसके अंदर सॉल्यूट डाला, ठीक है, सॉल्यूट की परसेंटेज को मालूम करने क्या कहलाता है, परसेंटेज यूनिट। द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास एंड वॉल्यूम। अब ये जो सॉल्यूट है, ये हम मास भी इसका देख सकते हैं और इसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं। अगर तो सॉलिड है हमारे पास सॉल्यूट, लाइक जैसे हमने चीनी की बात की थी, तो उसके लिए मास यूज करेंगे, और अगर मैं कोई लिक्विड की बात करता हूँ सॉल्यूट के तौर पर, वो कहलाएगा मेरे पास वॉल्यूम। अब इसके टाइप्स हैं हमारे पास चार, बहुत सिंपल है, एक जैसी टाइप्स हैं, मास बाय मास, ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको बारी बारी देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मास बाय मास, यानी कि हमारा सॉल्यूट भी, क्योंकि हमेशा याद रखना है ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्यूशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो मास बाय मास का मतलब है सॉल्यूट भी मास में और सॉल्यूशन भी किसके अंदर आएगा, मास के अंदर ही आएगा। सो इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, के अगर इसका मतलब ये होगा कि कितने ग्राम्स हम सॉल्यूट डालें 100 ग्राम्स के अंदर। तो देख लो, पहला सॉल्यूट भी ग्राम और सॉल्यूशन भी किसके अंदर है, ग्राम के अंदर है। तो हमारे पास 10% मास बाय मास सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूशन शुगर हमने किसमें डिसॉल्व किया है, 90 ग्राम ऑफ वाटर में, ताकि टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाए 100 ग्राम। जैसे हम इसी के एग्जांपल ले सकते हैं दोबारा से। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारे पास, बहुत सिंपल है, मास बाय मास का जो फॉर्मूला है, अब आप चाहो तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, कोई एक आप लोग कर सकते हो, तो बेटर है आप ये वाला कर लो, क्योंकि बाकी सारे हमारे जो इसी तरह के हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है। कुछ बच्चे जो है वो ये परसेंटेज लगाना भूल जाते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपने ये गलती नहीं करनी। आगे है मास बाय वॉल्यूम, तो आपको खुद ही समझ आ गई होगी कि सॉल्यूट हमारा मास के अंदर है और जो ग्राम्स के अंदर है, और वॉल्यूम हमारा किसके अंदर है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट किस में डिसॉल्व करने हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। इसमें सॉल्यूशन जो होगा हमारा, वो हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम है। तो 10% मास बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट जो है वो किसके अंदर ऐड है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आया, सिर्फ कि ऊपर हमारे पास सॉल्यूट का मास आ गया और सॉल्यूशन का क्या हम यूज करेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। अब बाकी के दोनों आप खुद भी कर सकते हो, लाइक हमारे पास वॉल्यूम और मास है, तो हमारा सॉल्यूट वॉल्यूम के अंदर होगा और वो सॉल्यूशन किसके अंदर होगा, ग्राम्स के अंदर। एक फॉर्मूला देखते हैं, तो ऊपर वॉल्यूम आ गया सॉल्यूट का और नीचे क्या आ गया, मास आ गया सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई बाय 100। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बहुत सिंपल कि हमारा सॉल्यूट भी वॉल्यूम के अंदर सेंटीमीटर क्यूब में, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। और आगे देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो बहुत सिंपल से टॉपिक थे। आगे है मोलैरिटी, तो एक परसेंटेज का तरीका होता है मालूम करने का, दूसरा तरीका होता है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है,
इट इज अ कंसेंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वन डेंसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मेरे पास एक सोल्यूशन बना हुआ है, ये शुगर सोल्यूशन की ही बात कर लेते हैं। अब ये जो पूरा शुगर सोल्यूशन है ये है 1 dm³ का सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हम यूज करते हैं सेंटीमीटर नहीं बल्कि डेसीमीटर क्यूब। सो इसके अंदर कितने ग्राम्स ऑफ, कितने नंबर ऑफ मोल्स डलेंगे सोल्यूशन के, लाइक कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो है या कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो ऐड होंगे ताकि टोटल सोल्यूशन कितना बन जाए मेरा 1 dm³ का, तो इसको बोलते हैं मोलैरिटी। और इसके रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। फॉर्मुला देखते हैं, तो तीन फॉर्मुला हमारे पास, 1, 2 और 3। तो इसमें से मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये वाला फॉर्मुला अगर आप कर लो तो ज्यादा ईजी है। मोलैरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में है, डेसीमीटर क्यूब में। क्योंकि ये आपका एमसीक्यूज भी है कि मोलैरिटी के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो किस में लिया जाता है, डीएम क्यूब के अंदर लिया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ 1 molar सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड, 1 molar सोल्यूशन जो है वो किस तरह बनाया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हमारे पास जो है वो क्या है कि 1 molar सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होता है 1 mole को, सोल्यूट के 1 mole को इतने वाटर में ऐड करके, इतने सोल्यूशन सॉल्वेंट में ऐड करके कि टोटल सोल्यूशन मेरा 1 dm³ का बन जाए, ठीक है। दोबारा देखते हैं कि हमारे पास जो 1 molar सोल्यूशन कब बनेगा, ठीक है, 1 molar सोल्यूशन कब बनेगा, जब 1 mole सोल्यूट का, ठीक है, इतने वाटर में ऐड किया जाए, इतने वाटर में ऐड किया जाए कि टोटल वॉल्यूम मेरा कितना बन जाए 100 dm³ का, तो मैं कहूंगा कि मेरा 1 molar सॉल्यूशन क्रिएट हो चुका है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे पास ये जो एग्जांपल है यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है। सो 1 molar सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 grams लेने पड़ेंगे किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इतने पानी में ऐड करेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना बन जाए सॉल्यूशन का 1 dm³। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो किसके अंदर, 100 gram ऑफ सॉल्वेंट के अंदर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का सेम यही मतलब है कि जैसे मेरे पास अगर हम बात करते हैं, मेरे पास शुगर है वो 5 gram है, ठीक है, 5 gram ऑफ शुगर है, तो 5 gram ऑफ शुगर को मैं कितने सॉल्वेंट में ऐड करूं कि टोटल जो है सॉल्यूशन वो 100 gram बन जाए, तो ऑब्वियसली 95 gram जो है वो क्या चाहिए होगा मुझे, वाटर चाहिए होगा, तो टोटल सॉल्यूशन जो है मेरा कितना बन जाएगा 100 grams का। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के कुछ फैक्टर्स है हमारे पास, पहला है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दूसरा है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और थर्ड है टेम्परेचर। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम लाइक डिसॉल्व लाइक की, लाइक डिसॉल्व लाइक क्या होता है, तो जैसे आप लोगों के क्लास के अंदर बॉयज भी और गर्ल्स भी, मैं कहता हूँ कि बॉयज अलग हो जाए और गर्ल्स अलग हो जाए, तो क्या होगा, सारे बॉयज एक साइड पर और गर्ल्स एक साइड पर, तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है कि सारे एक जैसे अलग हो जाएंगे और दूसरे अलग हो जाएंगे। सो हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास पोलर और एक होता है मेरे पास नॉन पोलर। तो अगर मेरे पास पोलर किसी पोलर के साथ ऐड होता है, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही ऐड हो सकता है सिर्फ, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही ऐड हो सकता है, ये तो पत्थर पर लकीर है। सो पोलर जो होगा वो मेरे पास पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर जो है मेरे पास किसके अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। सो इसको आगे देखते हैं मजीद, तो आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस जो है वो किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, सोल्युबल है किसके अंदर, सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, KCl हमारे पास आयनिक है, उसके बाद Na2CO3 है हमारे पास, CuSO4 है, शुगर है, एल्कोहल है, ये सारे किस, क्योंकि ये पोलर है सारे, ये सारे किस में डिजोल्व हो सकते हैं, वाटर में, क्यों, वाटर भी क्या है, पोलर, तो याद रखना है पोलर डिजोल्व हो सकता है जस्ट पोलर के अंदर। इसी तरह जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर में कभी डिजोल्व नहीं हो सकते, तो सब्सटेंसेस आर नॉट सोलेबल इन पोलर, ठीक है, जैसे हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, एग्जांपल ईथर, बेंजीन, पेट्रोल, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज ये सारे क्या है, नॉन पोलर हैं, और जबकि वाटर क्या है हमारा, पोलर। अब थर्ड है हमारे पास नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, तो जो नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस हैं वो पोलर में तो डिसॉल्व नहीं हो सकते, बट वो किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जो कि ज्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं, लाइक ग्रीस, पेंट, नेप्थलीन, ये सारे जो है वो सॉल्यूट हैं, और ये सारे नॉन पोलर सॉल्यूट हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ऐड हो सकते हैं, जैसे ईथर हो गया, टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इनमें ये ऐड हो सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हमारे पास, द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ कि जैसे ही मेरे पास ये वाटर था, इस वाटर जो सोल्यूट सॉल्वेंट है इसके अंदर मैंने सोल्यूट ऐड किया, चीनी ऐड किया, अब कुछ टाइम बाद ये मिक्स हो जाएगा। अब क्यों मिक्स हो जाएगा, बिकॉज ये सोल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ये आपस में इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। अब वो होगी कैसे वो हम टॉपिक में देखते हैं, बट इनके ये आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब होता है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं कुछ इवेंट्स, क्या इवेंट्स है हमारे पास। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन करवाना है आपने तो उसके लिए तीन चीजें होना जरूरी हैं। पहला क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको आपस से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अलग नहीं होंगे तो मिक्स भी नहीं हो सकते। दूसरा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स। कि अगर मैंने सॉल्यूट डाल दिया लेकिन अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे, वो स्पेस नहीं देंगे सॉल्यूट को, तो ऐड नहीं हो पाएगा। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को भी स्पेस बनानी पड़ेगी अपने दरमियान। थर्ड क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्सअप। आपने सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, बट वो अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं बन सकता। तो ये तीन इवेंट जो है वो कभी भी जिस भी सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को डालते हैं, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं, ये तीनों इवेंट्स अकर होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, अब होता क्या है बेसिकली, तो मैं यहां पे एग्जांपल के साथ यहां पे आपको समझाता हूं। जैसे ही मेरे पास जो है वो, ये मेरे पास NaCl की एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर देख रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे ही हम इसको डालते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर डालते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो सोडियम है, ठीक है, हमारा जो सोडियम होगा वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन हमारा नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा जब इनकी फोर्सेज जो है वो टूटेंगी। उससे होगा क्या, अब जो सोडियम है पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, वाटर के नेगेटिव। अभी जो आपको ये बड़ा वाला आयन नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। तो हमारे पास जो सोडियम होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, ऐसे ही है। और ये हमारे पास उसके साथ जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। और जो क्लोरीन होगा मेरा, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, और ये उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप जो है वो खुद भी रीड कर सकते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल जैसे मैंने भी आपको पीछे बताई कि जब NaCl को पानी में डालते हैं तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं आयन, जो NaCl और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाटर के, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो Na और Cl के दरमियान की फोर्सेस को ब्रेक कर देती हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस में जो पॉजिटिव आयन होता है वाटर का, वो किसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, क्लोरीन के साथ। जैसे हमने यहाँ पे पीछे देखा कि जो वाटर का पॉजिटिव वाला है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो नेगेटिव एंड वाला होगा, नेगेटिव एंड ऑफ वाटर डाइपोल इज ओरिएंटेड विद टू द पॉजिटिव, जैसे ये नेगेटिव एंड हमारा ऑक्सीजन था, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये हो जाता है सोडियम की तरफ अट्रैक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से जो फोर्सेस बनती हैं वो वाटर के अंदर किसको डिजोल्व कर देती हैं, NaCl को, और NaCl पानी में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सोलिबिलिटी के ऊपर। सो टेम्परेचर हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ ऑन मोस्ट सब्सटेंसेस। जनरली इट सीम्स दैट सोलिबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट इट ऑलवेज नॉट ट्रू। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ लिया, कि अगर हम किसी भी चीज को का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता। ठीक है, बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि हम दो चीजों को हम ऐड करते हैं और वहां का टेम्परेचर कम हो जाए, या कभी ऐसा होता है टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, या कभी ऐसा होता है कोई टेम्परेचर चेंज ना हो। जैसे हमने यहाँ पे चीनी को पानी में मिक्स किया तो इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं आया, बट अगर मैं कुछ और किस्म के सब्सटेंसेस को पानी में हल करता तो इसका टेम्परेचर कम भी हो सकता था और इसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता था। तो इसको हम इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अंदर जो है वो देखेंगे। सो क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास जब भी सॉल्यूशन बनाया जाता है या सॉल्वेंट ऐड के अंदर सॉल्यूट ऐड किया जाता है, तो तीन किस्म की प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। पहला है कि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, दूसरा हीट गिवन आउट हो सकती है, या तीसरा क्या है, चेंज नहीं आ सकता हीट के अंदर। सो हीट इज एब्जॉर्ब को देखते हैं। सो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कौन कौन से एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, ये हमारा सोडियम नाइट्रेट, और ये हमारा
पोटाशियम क्लोराइड, जब इनको पानी में ऐड किया जाता है तो जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो जाती है, यानी कि जब मैं इन चीजों को पानी में ऐड करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास चीजें ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। इट मींस ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन दी सॉल्ट्स द हीट इज एब्जॉर्ब, इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस, द रिएक्शंस ड्यूरिंग व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और उनको क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आएगा भैया कि अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसको तो गर्म होना चाहिए, बट आपने याद रखना है वो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ताकि सॉल्यूशन बने। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो वो ठंडा होगा क्योंकि उससे हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, हीट भी चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो रीजन क्या है हमारे पास कि हीट जो है वो चाहिए होती है क्या करने के लिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए इनके आयंस के दरमियान। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, तो ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये बाहर वाले मॉलिक्यूल्स देते हैं, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, देयर टेम्परेचर फॉल्स डाउन एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। थर्ड है हमारे, सेकेंड हमारे पास हीट इज गिवन आउट, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, तो सॉल्ट्स लाइक लिथियम सल्फेट और सीरियम सल्फेट जब इनको पानी में डाला जाता है तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। अब वो गर्म क्यों होती है, तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज चेंजिंग करनी है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सोल्यूट और सोलवेंट जब ऐड हो जाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है और साथ क्या बनती है, हीट। तो ये वो हीट होती है जो कि टेस्ट ट्यूब को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। इसकी रीजन क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इन सॉल्ट्स की काफी कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो बहुत जल्दी, क्योंकि वीक होती है तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड है नो चेंज इन हीट, जैसे हमने इस वाले की बात की थी, काफी बार इस्तेमाल कर लिया हमने इसको लेक्चर के अंदर, इस ग्लास को, तो इसके अंदर इस तरह के रिएक्शंस के अंदर, या देखो हम नमक को पानी में डालते हैं या चीनी को पानी में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता टेम्परेचर के अंदर, तो ऐसे भी सॉल्ट्स ऑब्वियसली मौजूद हैं। तो कुछ सॉल्यूशन किसके अंदर, जो डिसोल्यूशन होती है उसके अंदर ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है, जैसे जब हम सॉल्ट्स NaCl को पानी में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, तकरीबन सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन केसेस के अंदर टेम्परेचर का मिनिमम इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। नाउ बच्चों हम मूव करने लगे हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन, ये क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन तो हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, सो बट ये जो है ये थोड़ी ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, हर सॉल्यूशन जो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर वो इस तरह मिक्स हुआ होता है कि उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो विजिबल नहीं होती। जैसे मैं जब नमक को पानी में डालता हूं तो पानी के अंदर नमक मिक्स हो चुका होता है, तो नमक की कोई प्रॉपर्टी हमें नजर नहीं आ रही होती, तो ये हम कहते हैं कि सॉल्यूशन बन चुका है। और MCQs के लिए भी आपने याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है, अगर हम ड्रॉप ऑफ इंक को पानी में मिक्स कर दें तो वो मिक्स हो जाएगा तो हमें नजर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन बन चुका है। नेक्स्ट है कोलोइड, कोलोइड क्या होता है, दीस आर द सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोस प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशन बट नॉट लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो सॉल्यूशन से तो काफी बड़े होते हैं बट वो इतने भी बड़े नहीं होते कि वो हमें आम आंख से नजर आ जाएं, यानी कि वो सॉल्यूट के सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं बट वो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, तो ऐसे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, कोलोइड कहलाते हैं। बट हम हमें पता कैसे चलेगा भैया कि कोलोइड क्या है और सॉल्यूशन क्या है, तो इसका एक तरीका है, उस तरीके को हम देखते हैं, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब जैसे हमने देखा था कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं या सॉल्वेंट सॉल्यूशन टोटल हमारा होता है तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे होते हैं एज कंपेयर टू कोलोइड। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल ली थी, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है मेरे पास। अब मैं अगर इसके अंदर से लाइट को पास करूंगा तो पूरी लाइट पास हो जाएगी क्योंकि ये मेरा एक सॉल्यूशन बन चुका है। बट अगर ये होता कोलोइड तो क्या होता, जब मैं इसके अंदर से लाइट को गुजारता तो लाइट स्कैटर हो जाती, स्कैटर का मतलब होता है लाइट जो है वो बिखर जाती, कुछ डिसॉल्व हो जाती, कुछ बाहर निकलती, तो मैं कहता मुझे समझ आ जानी थी ये क्या है, ये मेरे पास कोलोइड है, क्यों ये टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। टिंडल इफेक्ट का सिंपल मतलब है कि लाइट को ब्रेक कर दे या स्कैटर कर दे। और अगर ये होता सस्पेंशन, यानी कि इसके अंदर मैंने बहुत सारी रेत भर दी होती, तो अब जब मैं लाइट को करता तो लाइट जो है वो बिल्कुल यहाँ से ब्लॉक हो जाती, तो मुझे समझ आ जाती है क्या है, सस्पेंशन है। तो ये हमारे पास छोटा सा एक तरीका होता है सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन को डिटेक्ट करने का।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइट जो है यहाँ से क्या हो रही है, थोड़ी सी स्कैटर हो रही है, तो टिंडल इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, इट मींस के ये कोलोइड है। इसकी एग्जांपल देखते हैं तो स्टार्च है, एल्ब्यूमिन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली, टूथपेस्ट, जब हम इनको पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये बना देते हैं कोलोइड। ये जेली जो है काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के अंदर, कि जब जेली का जो सॉल्यूशन होता है, जब जेली को वाटर में डालते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो वो होता है कोलोइड। आगे हमारे पास है सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन के अंदर जो होते हैं वो हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि एक जैसे नहीं होते हैं, ऑफ अनडिजोल्व पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इसके अंदर अनडिजोल्व रहते हैं। जैसे अगर मैं मट्टी को या रेत को पानी में डाल दूं तो अब रेत सारी नीचे बैठ जाएगी, अनडिजोल्व रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, तो मैं जब रेत के पार्टिकल्स को मैं देख भी सकता हूँ अपनी आंख से, तो ये सस्पेंशन होता है। एग्जाम्पल है चौक इन वाटर, जब मैं चौक को पानी में डाल दूं या पेंट को या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पानी में डालूं, वो मेरा क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। अब मेरे पास है डिफरेंस बिटवीन कोलोइड, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो क्या भैया ये तीनों एक साथ पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, तीनों आपसे एक साथ नहीं पूछे जाते, किसी दो के दरमियान में जो है, या तो सॉल्यूशन कोलोइड या कोलोइड सस्पेंशन या सॉल्यूशन और कोलोइड, इन तीनों के दरमियान में जो है आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। क्योंकि भैया ये तो बड़ा लंबा सा लग रहा है, कैसे करेंगे, तो टेंशन क्यों लेते हो मेरे होते, ठीक है। मैंने सबकी हेडिंग्स आपके लिए बना दी है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा, तीनों की सेम हेडिंग बनेगी जिसका नाम है साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ से आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जो सॉल्यूशन के होते हैं उनके अंदर पार्टिकल सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, और उनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10^-8 सेंटीमीटर। और जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड के, वो थोड़े बड़े एटम्स होते हैं और उनके अंदर जो है वो आयंस और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जो सस्पेंशन होते हैं उनके पार्टिकल्स लार्जेस्ट साइज के होते हैं और उनके जो डायमीटर होता है 10^-5 होता है, जो कि बड़ा है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन के डायमीटर से। दूसरा है कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब है ये किस चीज से मिलकर बने हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं एक तरीके से और क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो कोलोइड होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिख रहा होता है, बट एक्चुअली वो एक हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, और पार्टिकल जो होते हैं वो ज्यादा देर के लिए पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाते हैं, हमें उनको शेक करके दोबारा उनको मिक्स करना होता है। और जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, पार्टिकल जो है वो हमेशा अनडिजोल्व रहते हैं और वो क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और पार्टिकल्स कुछ टाइम के लिए जो है वो बाद में सेटल होते हैं, फिर नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे होने का प्रॉब्लम ये है, हमें आम आंख से नजर नहीं आते, ये है नेकेड आई, नेकेड आई से नजर नहीं आते। जब कोलोइड के पार्टिकल्स है वो बड़े तो होते हैं बट इतने भी बड़े नहीं होते कि हमें आम आंख से नजर आ जाए, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उसको आम आंख से यह देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बिकॉज वो छोटे होते हैं तो वो फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाते हैं, ठीक है, इजिली पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर में से, जबकि जो कोलोइड होते हैं उसके पार्टिकल्स बड़े तो होते हैं बट वो फिल्टर पेपर में से गुजर नहीं सकते, बट वो गुजर सकते हैं उसके अंदर से फिल्टर पेपर से, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो के ब्लो को जाते हैं, वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। उसके बाद है टिंडल इफेक्ट, तो देखा था टिंडल इफेक्ट जो है वो क्या होता है, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो बिल्कुल भी लाइट स्कैटर नहीं होती, पूरी गुजर जाती है, तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन कोलोइड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और जो सस्पेंशन होते हैं ये टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करता, क्योंकि इसमें से लाइट पास बहुत मुश्किलों से होती है या तो होती ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे हमारा कवर हो गया, ठीक है, पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इन चैप्टर की जो स्लाइड्स हैं वो रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने लिए एज अ नोट्स भी अपने पास सेव कर सकते हैं। तो बच्चों इतनी एफर्ट आप लोगों के लिए जो की है मैंने कि आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है इसके अंदर ना देखने को मिले, तो इस सबके लिए आप लोगों ने जो है वो लाजमी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो बच्चे पढ़ सके और आपके कजन्स जो बहुत दूर दराज के गांव से बिलोंग करते हैं वो अपने अपने साथ वालों को शेयर किया करें, ताकि उनको भी जो है वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल सके और कम टाइम के अंदर मिल सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे मिलते हैं कि भैया हम गाँव से आए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, तो उस बेसिस के ऊपर जो है वो एक अलग सी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए काम करने की। सो मैं अपनी तरफ से 110% एफर्ट कर रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से भी जो है वो एफर्ट चाहिए, ताकि हम मिलकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें और उसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर आगे जा सकें। और मैराथन सीरीज को तो आप लोग फॉलो कर ही रहे हो, अगर आप मैराथन का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे जो लिंक है, ठीक है, उस पर क्लिक कर सकते हो व्हाट्सएप पे,
आके मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके जो व्हाट्सएप पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है, ठीक है। मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या मैराथन ग्रुप के अंदर हम उसको आपको ऐड कर देंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और नेक्स्ट लेवल की जो है वो चली जाए। इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो उसको लाजमी से फॉलो कीजिएगा। उसका नाम हैंडल है मेरे पास फिजान तनवीर, ठीक है। उसको जाके आपने जो है फॉलो करना है लाजमी से। कॉमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपनी जो है वो बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा और आप इन फ्यूचर कौन सी वीडियोस जो है वो देखना चाहते हो इस चैनल के ऊपर, ताकि मैं वो वीडियोस आप लोगों के लिए जो है वो बना सकूं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, और अल्लाह हाफिज़।